ये कहानी समर्पित है उन नौजवान रक्तदाताओं को जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों से कई जिंदगियों को संवारा। तो अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रक्तदान को प्रेरित करने वाली एक घटना। हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कॉलेज में 3 दिनों के अंदर। आप सभी को वहाँ पर आना है। विजय तुम तो आ रहा है ना भाई? यार मेरे को ब्लड डोनेशन नहीं करना, मेरे घर वालों ने मना किया। यार ये अंधविश्वास है, कभी तो अपन को दूर करना पड़ेगा। नहीं यार और सवाई सिंह तुम तो आओगे ना ब्लड डोनेट करने? नहीं मैंने सुना है जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं वो लाखों करोड़ों में बेचा जाता है, उसकी स्मगलिंग वगैरह होती है और जो बंदे को काम ही नहीं आता। ये तुम्हें एकदम गलत का है जिसने कहा है, कोई स्मगलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये जरूरतमंद के काम ही आता है। और इसके लिए तुम्हें तुम्हारा डोनर कार्ड भी तो मिलेगा। डोनर कार्ड तो डुप्लीकेट भी तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हें जो डोनर कार्ड मिलेगा तुम जब भी जरूरत पड़े उस डोनर कार्ड को लेके जाना, तुम्हें जिस ग्रुप का चाहिए वो ब्लड ग्रुप का तुम्हें ग्रुप ब्लड मिल जाएगा। आना जरूर, तुम भी ध्यान दे लो, कुछ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे। यार मैं खुद पहले इम्पोर्टेंट बात करता हूँ, पहले मेरी होने तो फिर तुम्हारी समझेंगे। अच्छा तुम आ तो रहे हो ना, कब है? यार आदत ही नीरज, तुम्हें जरूरत पड़ेगी कभी इसकी। नहीं पड़ेगी मुझे जरूरत, अब ज्यादा ज्ञान में चढ़ो और निकलो यहाँ से। जैसा कि कल हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, आप सभी को वहाँ पर आना है। तो अंजलि तुम आओगी क्या? मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है यार, मेरा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। वीकनेस कुछ नहीं होगा, तुम पर आके देखो, वहाँ पे करके देखो। नहीं यार प्लीज यार, मुझसे नहीं होती है। तुम आओगी ना? या तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट कंफर्म नहीं। तू बात कर रही है अपने आप को तो दे, क्या अपने बस की बात नहीं है, छोड़। नहीं ब्लड डोनेट कर भी दे, इतने ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, इतना ब्लड यूज कहाँ होता है? लेडीज प्रेगनेंसी में यूज होता है, उनकी डिलीवरी के टाइम पे 2-3 यूनिट ब्लड चला जाता है। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए होता है 5-6 बार एक महीने के अंदर, वहाँ पे ये काम आता है। और अपन जो डेली देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, उसमें उसके अंदर कितना ब्लड चाहिए होता है, तुम ये देखो ना कितना यूज आता है ब्लड, और एक यूनिट से 3 लाइफ बचती है, तुम ये भी देखो। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी जिंदगी बचा रहे हो, तो तुम आओगे ना देने कल ब्लड? किसी की जान तो किसी का अभिमान है, तुम रक्तदाता तुम मान है। बहुत गर्मी नहीं होगी? बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ। हेलो हाँ भाई नीरज जल्दी आ, एमडीए में तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? क्या हुआ, पागल हो गया क्या? और भाई यार मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया यार, वो एमडीए में भर्ती है, उसको खून की जरूरत है यार। अब चल 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 फट चल। डॉक्टर साहब मेरे भाई की क्या हालत है? तुम्हारे भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उसे अभी इमीडिएटली ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो जल्दी से अरेंज करो। अरे भाई चल यार, ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है यार, लेकर चलते भाई। यार रोहित यार मेरे भाई की तबीयत बहुत
यार, वो भर्ती है, मुझे प्लीज खून की जरूरत है यार, प्लीज तू कहीं से जुगाड़ कर, वो नेगेटिव ब्लड का यार। भाई यार मेरा तो ए पॉजिटिव है। अरे यार चल उसके पास चलते हैं यार, उसके पास चलते हैं, बोल कर। हाँ ये भाई यार आकाश यार, मेरे भाई को ब्लड की तक जरूरत है यार, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नेगेटिव ब्लड यार, आप दे सकते हो यार, मेरा भी नहीं हो नेगेटिव यार, ब्लड बैंक के ऑप्शन बचा ले, चलो बस बस। सुनो ये डोनर कार्ड है, तुम ये दे देना, तुम्हें वहाँ से ब्लड मिल जाएगा। नीरज नीरज चल ले इससे। मेरे भाई को नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, तो मैं काट रहा हूं ये लीजिए सर डोनर का, मैं देखता हूं तो कहीं नहीं। सॉरी आई एम सॉरी, और नेगेटिव ब्लड नहीं है। चल भाई कहीं वो चैलेंज करते हैं ब्लड आया जल्दी। यस निराशा में डूब चुका ये मानव पिछली नादानी को याद करता है, जिंदगी और मौत के बीच तड़पती एक जान को टुक टुक निहारता है, टुक टुक निहारता है। उम्मीद ही ना उम्मीद बन चुकी है, जाए तो कहाँ जाए। नीरज क्या हुआ है? मेरे सबको उम्मीद नहीं बची। बताओ तो सही हुआ क्या है? मेरे भाई को दो यूनिट ब्लड की जरूरत है, और नेगेटिव। मैं इतनी जगह घूमा लेकिन कहीं पर अरेंज नहीं हुआ। मेरा ले लो ओ नेगेटिव, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप? हां। अपने पराए का भेद नहीं, इंसान तो बस इंसान है इसकी नजर में। क्या थैंक यू सो मच यार, उस दिन आपने मेरे भाई की जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज था इंसानियत के नाते। पर आप इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व क्यों रहते हैं? मैं अपना भाई खो चुकी हूँ उसकी वजह से। एक घटना जिसने इस लड़की की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया, पर वो टूटी नहीं, तो क्या आप इससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? डोनेट ब्लड।